In this video, we will discuss about the linkage and recombination. Linkage and recombination. Previous video में हमने Mendel के experiment देखे थे, जिसमें dihybrid experiment में हमने क्या देखा था? Dihybrid cross को हम law of independent assortment कह रहे थे, और ये law क्या कहता था? कि जब दो pairs के trait आपस में combine होते हैं, तो जो पेयर होता है एक कैरेक्टर का, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर. जैसे कि जब हमने ये क्रॉस देखा था, तो ये जो दो पेयर्स थे जब आपस में क्रॉस कर रहे थे, तो इनका जो सेग्रीगेशन था एक कैरेक्टर का, वो इंडिपेंडेंट था दूसरे कैरेक्टर से. तो इस ये किस वजह से था? दिस वॉज ड्यू टू द रीजन दैट जीन्स वर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोजोम. जैसे कि क्रोमोजोम्स होते हैं, तो क्रोमोजोम्स अलग अलग क्रोमोजोम के ऊपर जीन्स लोकेटेड होती हैं. तो मेंडेलियन का जो इनहेरिटेंस था, उन्होंने ये आइडिया दिया कि जो कैरेक्टर है दैट मस्ट बी लोकेटेड ऑन वन क्रोमोजोम. एक क्रोमोजोम पे एक ही कैरेक्टर लोकेट होना चाहिए. ये हमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से ये रिजल्ट अराइज हुआ था. उसके बाद काफी सारे एक्सपेरिमेंट हुए. मॉर्गन आए, जिन्होंने येलो बॉडीड व्हाइट आइड फीमेल को क्रॉस करवाया ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल के साथ में. इन दोनों को इन्होंने इंटरक्रॉस करवाया और F1 प्रोजेनी ने. तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया मॉर्गन ने ये ऑब्जर्व किया कि जो दोनों जीन्स हैं, ये जो येलो बॉडीड और व्हाइट आइड फीमेल, दिस इज जीन्स, दे डू नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर. लेकिन हमने मेंडल के क्रॉस में क्या देखा था, डाइहाइब्रिड क्रॉस में, वहां पे सेग्रीगेट हो रही थी इंडिपेंडेंटली. बट मॉर्गन ऑब्जर्व that the genes did not segregate independently, और जो ratio है, जो F2 ratio आया इनका Morgan का, वो ये 9:3:3:1 ratio तो Mendel का था. इनका जो ratio आया वो कुछ इससे deviate हो गया. उन्होंने expect तो किया था कि यही ratio आए, but this was not the ratio. उनका जो ratio आया that was कुछ इस तरीके का ratio आया, 14:1:2:1:3. This was the ratio जब मॉर्गन ने इनकी इंटरक्रॉसिंग की. तो मॉर्गन ने इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूड किया कि जो जीन्स हैं they were located on X क्रोमोजोम पर लोकेट होती हैं. और एकदम देख लिया कि when two genes in a dihybrid cross were situated on the same chromosome, एक ही क्रोमोसोम पे जब जीन्स लोकेट होंगी, जो ये येलो बॉडीड और व्हाइट आइड फीमेल एक ही क्रोमोसोम पे होंगी, the proportion of parental combination भाई ज्यादा होगा as compared to the non-parental type. It was given by the Morgan. He was also given that जो जीन्स लोकेट होंगी सेम क्रोमोसोम पे, वो आपस में लिंक होंगी. भाई जो भी क्रोमोसोम है इसके ऊपर जीन्स लोकेट है, इसके ऊपर जीन्स लोकेटेड है, ये अलग अलग कैरेक्टर्स की लोकेटेड है. मान लीजिए ये येलो बॉडीड है और ये व्हाइट आइड फीमेल, जो जीन्स है इसके ऊपर लोकेटेड. तो जो जब जीन्स सेम क्रोमोसोम में लोकेट होती हैं, वो आपस में लिंक रहती हैं जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है. किस फॉर्मिना की वजह से? बिकॉज ऑफ द लिंकेज. जो भी पेरेंटल में प्रेजेंट होंगी जीन्स, वो आपस में लिंक होंगी और उन्हें पास होना ही होगा टू देयर नेक्स्ट जनरेशन. तो जैसे कि इस क्रॉस में हम देख सकते हैं, इट इज क्रॉस ए एंड इट इज क्रॉस बी. इसमें क्या लिया गया है, जो भी मैंने बताया, ये किस पे उन्होंने की थी, येलो बॉडीड और व्हाइट आइड फीमेल के साथ में इन्होंने क्रॉस करवाया. किसको? ब्राउन बॉडीड रेड आइड फीमेल के साथ में यहाँ पे क्रॉस करवाया.
तो क्रॉस ए में क्या है, क्रॉस ए और बी में क्या डिफरेंस है? इट इज क्रोमोजोम. ये जो ये लाइन दिखाई दे रही है इट इज क्रोमोजोम. और ये जो इट इज ये वाई है, ये कैरेक्टर है, और ये डब्ल्यू है, ये है जीन्स. इसके ऊपर, इन क्रोमोजोम्स के ऊपर ये जीन्स लोकेटेड दिखाई गई है. इट इज येलो एंड इट इज वाइट. और यहाँ पे ये वाइल्ड टाइप से रिप्रेजेंट कर दिया गया है. क्रॉस बी ने क्या किया है, यहाँ पे भी ये क्रोमोजोम है, इस क्रोमोजोम के ऊपर ये जीन्स लोकेटेड है. दीज आर द जीन्स वाइट और मिनिएचर. ये जीन्स दूर दूर लोकेट है और यहाँ पर ये जीन्स पास पास लोकेटेड है. तो F1 जनरेशन में क्या होगा, जो जीन्स पास पास लोकेट थी क्रोमोसोम्स पे वो लिंक्ड रही. जब फर्स्ट जनरेशन आई मेल और फीमेल की, तो जो जीन्स थी ऑन द पेरेंटल क्रोमोसोम्स दे रिमेन्ड लिंक्ड टुगेदर. जो अभी मॉर्गन ने बताया कि जो जीन्स होंगी पेरेंटल कॉम्बिनेशंस की दे रिमेन्ड लिंक्ड टुगेदर इन द नेक्स्ट जनरेशन, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं. तो यहाँ पर इस केस में क्या है कि जो जीन्स हैं क्रोमोसोम के ऊपर वो बहुत पास पास लोकेटेड हैं. जब पास पास लोकेट होंगी जीन्स, तो जो रिकॉम्बिनेशन शो करेंगी वो बहुत लो शो करेंगी. व्हेन द जीन्स लोकेटेड वेरी क्लोज टू ईच अदर द रिकॉम्बिनेशन इज लो एंड द पेरेंटल टाइप विल बी हाई. तो इस केस में आप देख सकते हैं कि आगे क्या होगा, जो जीन्स हैं वो क्रोमोसोम्स पे लोकेट हैं, बट इट इज वेरी क्लोज टू ईच अदर, क्लोज टू ईच अदर. तो यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेशन टाइप आएगा, दैट इज वेरी क्लोज टू ईच अदर. तो मॉर्गन और उनके ग्रुप ने ये फाइंड आउट किया कि जो जीन्स ग्रुप्ड हुई हैं सेम क्रोमोसोम पे, सम जीन्स जो है वो टाइटली लिंक्ड है, जो कि यहाँ पर हमने केस में देख ही लिया. यहाँ पे जो जीन्स लोकेटेड है वो बहुत क्लोजली लोकेटेड है. तो जब क्लोजली लोकेटेड होंगी तो वो बहुत कम रिकॉम्बिनेशन शो करेंगी. मतलब जो जनरेशन आएगी, जो इंडिविजुअल्स फॉर्म होंगे आगे के, वो बहुत कम होंगे, जो कि हमने टाइप ए के क्रॉस में देखा. लेकिन मॉर्गन ने और उनके ग्रुप ने ये भी ऑब्जर्व किया कि जो जीन्स लूजली लिंक्ड होंगी, जो दूर दूर प्रेजेंट होंगी, जो कि मैंने अभी क्रॉस बी में दिखाया है, यहाँ पे जीन्स दूर दूर लोकेटेड हैं, तो यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेशन होगा, जो इंडिविजुअल्स फॉर्म होंगे, वो हाई होंगे एज कंपेयर टू टाइप ए. तो जो व्हाइट और येलो की जो हमने जीन्स अभी देखी क्रॉस ए में, दे वर टाइटली लिंक्ड. उनका जो रिकॉम्बिनेशन है दैट इज 1.3, एज यू कैन सी इन द इमेज में आप दिख सकते हैं 1.3. लेकिन जो दूसरा वाला क्रॉस है जिसमें व्हाइट और मिनिएचर विंग जो है, दैट शोज 37.2% रिकॉम्बिनेशन शो कर रहा है. तो ये जो लिंकेज प्रोसेस है, ये जो रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी है कि पेरेंटल कितना आया और रिकॉम्बिनेशन कितने आए, कितने इंडिविजुअल्स फॉर्म हुए, ये जेनेटिक मैप्स के थ्रू देखा जाता है. और ये गिवन किया था अल्फर्ड स्ट्रू डिवेंट ने. ही यूज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर ऑन द सेम क्रोमोजोम एज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स and mapped their position on the chromosome. और ये जिस से किया जाता है, जिससे नापा जाता है ये recombination process, वो देखा जाता है genetic map से. genetic map से देखा जाता है. So this is all about this video. Thank you.